प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट पर 810 करोड़ रुपए आप खर्च करने की दिशा में प्लान बना रहे हो। सांसद तो बिना अधिकार के रहे, लेकिन आप आपके अधिकार में कोई कटौती नहीं करोगे। क्यों आप 7,000-8,000 करोड़ का हमारा एम्पीलैड तो लेना चाह रहे हो, लेकिन 20,000 करोड़ की सेंट्रल विस्टा बनाने का आपका एजेंडा है। आप कह रहे हो पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी हुई। अरे भाई, डच की संसद भवन की बिल्डिंग 13वीं शताब्दी की है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। इटली का संसद भवन 16वीं शताब्दी का है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। फ्रांस की 17वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। हमारे जो दोस्त है ट्रंप साहब, उनके यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग 1800 की है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। ब्रिटेन का 1840 का है, वहां पर आज भी सेशन हो रहा है। तो हमारी तो 100 साल पुरानी है, तो 4-5 साल के बाद अगर इसमें हम सोचेंगे तो क्या दिक्कत है। मंत्रियों के लिए नए ऑफिस की अभी क्या जरूरत है, पहले कोरोना से हम लड़े। सांसदों के लिए नए ऑफिस की अभी जरूरत नहीं है, कोरोना से संघर्ष का हमारा एजेंडा होना चाहिए। क्या हमारे मंत्री और सांसदों के नए आवास हमारे लिए जरूरी है? हमारे कोरोना के ऐसे लोग परेशान है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर ऐसे खर्च करना चाह रहे हो, ये पूरी तरह से गलत है। सभापति महोदय, इस बजट में भी आपने बुलेट ट्रेन के लिए पैसे रखे, आपने 1,00,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए खर्च कर रहे हो। इस बजट में भी बुलेट ट्रेन के लिए 6,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान आपने रखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना से लड़ाई हमारी प्राथमिकता होगी या बुलेट ट्रेन लाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता कोरोना से लड़ने का प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से ये फिजूल खर्चे आपकी तरफ से हो रहे, अभी भी प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट पर 810 करोड़ रुपए आप खर्च करने की दिशा में प्लान बना रहे हो, ये किस लिए हम कर रहे हैं? और इसलिए मेरा सरकार के माध्यम आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है सभापति महोदय कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट आप करिए, लेकिन कोरोना की जंग खत्म होने के बाद करिए। कोरोना के जंग के बाद अच्छा सेंट्रल विस्टा बनाइए, लेकिन तब तक ये 20,000 करोड़ रुपए आपको पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई में लगाने चाहिए। और हम सब लोग ये जो आपने बिल लाया है इसका तो समर्थन करते हैं, और ये करते वक्त आपसे ये आग्रह है कि आने वाले समय में सरकारी खर्चे में कटौती, ये एजेंडा हम कब बनाने वाले हैं? सांसदों का सांसद निधि कट करना ये आपका एजेंडा है, क्योंकि सांसद तो बिना अधिकार के रहे, लेकिन आप आपके अधिकार में कोई कटौती नहीं करोगे, आप आपके खर्चों में कटौती नहीं करोगे, तो ये चलेगा नहीं। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम TNNI।